ऐसे नेता की एक लव स्टोरी बताएंगे जिन्होंने सत्ता के लिए प्यार की कुर्बानी दी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दबंग नेता एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे की। जी हाँ, वो अलग बात है कि जिस सत्ता के लिए राज ठाकरे ने अपना प्यार छोड़ा, वो सत्ता भी उनके हाथ नहीं लगी और उनके ताऊ ने शिवसेना की जिम्मेदारी अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी, जिसके चलते राज ठाकरे को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। हाँ, ये बात उस दौर की है जब बॉलीवुड में सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। उसी दौर में एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी सोनाली बेंद्रे को अपना दिल दे बैठे। रिपोर्ट्स की माने तो राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कई प्यार करने वालों की तरह इनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे के रिश्तों के बारे में कई लोगों ने अटकलें भी लगाई। किसी ने कहा कि राज ठाकरे की मदद से सोनाली बेंद्रे को बॉलीवुड में काम मिला, तो कोई कहता था कि फिल्मों में सोनाली बेंद्रे को देखने के बाद राज ठाकरे का दिल उन पर आ गया था। दोनों का अफेयर था, ये बात तो जग जाहिर है। राज ठाकरे जब सोनाली बेंद्रे के प्यार में गिरफ्तार हुए तो उस समय वो शादीशुदा थे। राज फिर भी सोनाली से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके ताऊ बाला साहब ठाकरे ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को समझाया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी और उनकी पार्टी शिवसेना की इमेज खराब हो जाएगी, जो भविष्य में अच्छा नहीं होगा। आज राज ठाकरे उस समय शिवसेना पार्टी में थे, उन्हें लगा कि बाला साहब ठाकरे अपनी कुर्सी की कमान उनके हाथ में देंगे। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की बात मान ली और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। राज ठाकरे ने प्यार के बदले सत्ता को चुना, दोनों ने शादी ना करने का फैसला किया। कहा जाता है कि दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। राज ठाकरे ने जिस कुर्सी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी, वो कुर्सी भी उनके हाथ से निकल गई। बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना की जिम्मेदारी दी। राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई। कहा जाता है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, प्यार करने वालों के दिलों में सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। शायद यही वजह है कि दोनों का दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कता होगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।